नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएसपी ने लाखों की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए हैं। स्मैक तस्करों को पकड़ने के लिए बन भूलपुरा पुलिस की अहम भूमिका रही। बन फूलपुरा थानाध्यक्ष की अगुवाई में तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। देर रात कार से 103 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की गई है। तस्करी कर रहे पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद की गई स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। चेकिंग हुई थी, कंबाइंड अभियान चला था एसओजी और बनफुलपुरा पुलिस का। इसमें एक अल्टो कार को रोका गया। इसमें चेकिंग के समय दो बाप बेटे जो है वो साकिर हुसैन और साहिब हुसैन, इनसे जब पूछताछ हुई इसमें आपका, तो इन दोनों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। टोटल 103 ग्राम दोनों से स्मैक बरामद हुई है। इसमें साकिर हुसैन के ऑलरेडी 3 केस पहले से चल रहे हैं।